हमारे फरी साहब के पास, हमारे फरी साहब के पास बारे हमारे लाल मोहन भैया सुना उतार भैया है। Hey guys, welcome back to my new vlog। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को प्रेस करें। आज आप सब देख सकते हैं पीछे महादंगल का आयोजन रखा गया है, आप सब देख सकते हैं। अभी स्टार्ट होगा, आप सबको दिखाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। उधर आप देख सकते हैं पूरा दंगल के लोग हैं। अभी इधर इधर दंगल होगा, आप सब वीडियो में बने रहिएगा, अभी आप सबको दिखाएंगे। और हर दंगल में तो पहलवान जीतता हारता है, आज के दंगल में यह तय हो जाएगा कि पूर्वांचल का सबसे सुपरस्टार पहलवान सन 2022 का कौन है। रेफरी साहब पर्चे कराइए। ए उहे टाइम देखे भाई, तू आई लगा हो। अरे न सुना, अब तो आन लोगों साल भर पर मिल पाऊ हमारी घर की निर्वे कर रोज हमसे बेटाई। पहले नाम अजीत का है और गोरखपुर रेलवे के पहलवान भी है। कैमरा मैन थोड़ा घूमते रहिए। गोरखपुर रेलवे के पहलवान अजीत यादव पहलवान गोरखपुर पूरी के सवाल के जवाब में उभरता हुआ सोला भड़कता हुआ जवान नीले कलर की दंगली जागिया में अनूप पहलवान पड़हलगंज गोरखपुर कर जन्मभूमि गोरखपुर कर्म भूमि दिल्ली देश की राजधानी जहां बहता है जमुना नदी का पानी। ठीक है, चलें दोनों पहलवान चलो। बहुत सुंदर। मयंक भैया ने कहा था कि कुछ नहीं, यह गधा हमने इसलिए मंगाया है कि जो पहलवान चैलेंज मारेगा उसको गधा दिया जाएगा। भैया तो साउंड कहा गड़बड़ा था, साउंड लगाओ। अरे जो लड़ता है सरकार वही जानता है। समय पर भैया एक मिनट 20 सेकंड बीत गया। हेलो हेलो, बड़ा गर्मी बहो। हम अदवा पहलवान लोग 2 मिनट 4 मिनट लड़के उतर जाते हैं। हम 11 बजे से लड़त हैं, 4 बज गए अकेले। हमारी खातिर तीन ताली बजा डालवाने के भैया, पहले के जमाना में अगर 30 बरिस पहले ही कुश्ती हो तो बुढ़वा लोग काने में अंगूरी डाल के गाना गावत कि छोटी बो की रहली त बछरू चरौली आ पियली बके नवा के दूध। अब की जमाना में गाना चलत कि हम नहाए ना टेम्पू से राजा जी आवे ना टेम्पू से। ये कोई गल ए बाबू ना, शांत हो जाइए। तेल देखिए, तेल की धार देखिए, पहलवान देखिए, पहलवान का कमाल देखिए। संदीप सिंह भैया और टिंकू भैया जो वर्तमान ब्लॉक प्रमुख है और सबसे नौजवान ब्लॉक प्रमुख है जोरिया जनपद के, आपके तरफ से भी अनाउंसर को बहुत बहुत पुरस्कार आया है, जोरदार ताली बजाइए। और संदीप भैया और हमारे सांसद महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये दुनिया उलझ रही है तो उलझा रहा हूं मैं, ये दुनिया उलझ रही है तो उलझा रहा हूं मैं, आंधियों से कुछ तो सोच के टकरा रहा हूं मैं, जलता हुआ चिराग हूं दीपक तो हूं नहीं, जितनी मेरी औकात आपके काम आ रहा हूं मैं। और बहुत अच्छी कुश्ती, 3 मिनट समय बताओ भैया। समय समाप्त हुआ रेफरी साहब, दंगली समय समाप्त हुआ। अब पॉइंट की कुश्ती और गधा का विजेता कौन होगा यही 2 मिनट तय कर देगा। बलता पैदा कर दिया रविंदर भैया के भेष में,
कि जिन्होंने 24 घंटा दिनों रात जनता के लिए चल करके आज संसद की कुर्सी पर जनता ने पहुंचाया और दिल्ली में बैठ करके देवरिया की आवाज को उठाने का काम करते हैं। एक बार सांसद जी के नाम पर जोरदार ताली बजाइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रेलवे के पहलवान को अनूप पहलवान ने नीचे बैठाया, रेफरी साहब का इशारा, दोनों पहलवान खड़ा होकर के कुश्ती लड़ी है। गदा का सवाल है भैया, पूर्वांचल की हीरो मंगला का सवाल है भैया। एक तरफ अनुभव से भरा हुआ रेलवे का पहलवान और दूसरे तरफ नौजवानी की एकदम उठानी पर बढ़लगंज का पहलवान। ये हमारे लालमोहन भैया का बेटा है, एक नंबर का। इस समय पूर्वांचल में उभरता हुआ पहलवान बढ़लगंज की धरती का। एक मिनट बीत गया, एक मिनट शेष। आप पूरा अनूप पहलवान का 2-2 स्कोर 4 हो गया। अगली कुश्ती जनार्दन रेलवे जैकी सिंह देवरिया तैयार रहेंगे। चलो बेटा बात छूट हो जाए, लोग एकदम फालतू ना करी तो से ढेर चला खाऊ, एकदम उस्ताद मत रहो, एकदम जो लड़ेगा वही जीतेगा, जो मारेगा वही मरेगा। चलो इसी अभी तो 15 सेकंड बाकी है रे, पगला घड़ी मत दिखाओ, कुछ नहीं कहीं से कोई कम नहीं, लड़ते लड़ते गिर जाए कोई कम नहीं। अब बोला देव हवा बाबा की, समय समाप्त। इस कुश्ती में अनूप पहलवान विजयी रहा। इस कुश्ती भैया दर्शक वहां है, थोड़ा रेफरी साहब के पास, थोड़ा रेफरी साहब के पास बारे हमारे लाल मोहन भैया। सुना उतार भैया है, रेफरी साहब के भेज रहे पकड़ा। महाकाल का भक्त भज बड़ा गड़बड़ बड़ा। मैं चाहता हूँ मयंक भैया से इस पहलवान के पिता का भी माला पहना करके स्वागत कर देंगे। चलो भैया भैया।